सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने एंजल वन ऐप पे ETF में SIP स्टार्ट करके रखी है तो उसकी डेट आपको कैसे चेंज करना है। अब ETF होता क्या है, ETF में कितने चार्जेस लगते हैं, ETF को कैसे सेल करना है, ETF को कैसे बाय करना है, ETF में SIP कैसे करना है, ये सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर A to Z बना के रखे हैं। ज़रूर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, ऑलरेडी हमने ETF में SIP चालू करके रखी है। अभी आप नीचे देखोगे तो हमारे गोल्ड बीज SIP में हम डेली ETF में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने डेली SIP स्टार्ट करके रखी है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर्स पे और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक SIP में, तो हमने गोल्ड बीज इस ETF में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब गोल्ड बीज में SIP कैसे स्टार्ट करना है, सेपरेट वीडियो बना के रखा है। टाटा स्टील स्टॉक में SIP कैसे करना है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे हमने गोल्ड बीज में क्वांटिटी वाइज हमने SIP स्टार्ट की है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई SIP का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने डेली बेसिस पे इसको स्टार्ट किया है। हर दिन हमारा एक ETF बाय होता है, मतलब रोज़ मैं एक ETF खरीदता हूँ डेली बेसिस पे, और एक क्वांटिटी हमने रखा है। तो मतलब एक क्वांटिटी मैं रोज़ खरीदता हूँ, रोज़ ये 60 रुपीज़ का है, कभी 61, ऐसे रोज़ ये ऑटोमेटिकली बाय होते रहता है, मेरे अब पोर्टफोलियो में ऐड होते रहता है। तो अगर मैं मॉडिफाई SIP पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप क्वांटिटी वाइज इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, जैसे हमारा डेली है, अगर मैं इसको वीकली करता हूँ तो वीकली बेसिस में मैं मंडे ट्यूसडे जो भी डेट मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्वांटिटी बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्वांटिटी 2 कर देता हूँ और वीकली कर लेता हूँ। हर ट्यूसडे को ये बाय होना चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे स्टॉप SIP सक्सेसफुली मॉडिफाइड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड बीज SIP 2 शेयर की हो गई है। नेक्स्ट SIP डेट 18 जून को, मतलब अगले ट्यूसडे को। मंडे को हॉलीडे है, मार्केट हॉलीडे, क्योंकि बकरी ईद है, तो ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, तो वहाँ पे हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा 2 क्वांटिटी, ठीक है। इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसा रखना ज़रूरी है, आपके वॉलेट में, ट्रेडिंग बैलेंस में, तभी आपका ये ऑटोमेटिकली बाय होगा, नहीं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके कोई चार्जेस ज़्यादा के नहीं कटते, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई SIP पे जाके आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेली सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं डेली ही रखता हूँ SIP को। तो इजीली आप अपने ETF SIP को डेट चेंज कर सकते हो, मंथ चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो, या क्वांटिटी भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने अमाउंट वाइज इसका SIP स्टार्ट किया तो आप अमाउंट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो बहुत ईजी तरीके से आप अपने ETF में जो आपने SIP स्टार्ट किए उसका डेट आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ETF रिलेटेड और वीडियोस को देखना है, वॉच करना है, जो भी आपके डाउट्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करिए, चैनल पे विजिट भी करिए, आपके डाउट होंगे तो वो उस रिलेटेड सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी वीडियोस नहीं मिल रहे आपके डाउट्स के, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।